हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, हमारा न्यू चैनल है और जर्नी बड़ी टफ है, तो प्लीज सपोर्ट करो और हमें सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं। साल 2006 में उत्तर प्रदेश के जिला नोएडा के निठारी गांव में हुए हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस केस में नोएडा के सेक्टर 31 की एक कोठी के पीछे वाले नाले से करीब 2 दर्जन बच्चों के नर कंकाल बरामद हुए थे। इंसानी हड्डियों के तमाम हिस्से जमीन में गड़े हुए मिले थे। मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडित और उसका नौकर सुरेंद्र कोली आरोपी थे। सुरेंद्र कोली ने बच्चों संग जबरदस्ती की और उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारने की बात कबूली भी थी। तब दोनों को मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जबकि बीते साल सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया। अब इसी सेहरा देने वाली घटना की भयावह यादें ताजा करती है सेक्टर 36 फिल्म मेकर्स। हालांकि फिल्म को सिर्फ कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित बता रहे हैं, पर असल में यह निठारी केस की ही तमाम परतें खोलती है। फिल्म सेक्टर 36 की कहानी एक कोठी में शुरू होती है। नौकर प्रेम सिंह, विक्रांत मैसी और उसका मालिक बलबीर बासी आकाश खुराना एक आलिशान कोठी में रहते हैं। नौकर प्रेम सिंह विक्रांत मैसी कोठी के एक कमरे में एक स्कूली बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। यह पहला ही सीन रोंगटे खड़ा कर देता है। कोठी के पास की बस्ती से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। उनके माता पिता थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामचरण पांडे दीपक डोबरियाल के पास लगातार शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं, पर इंस्पेक्टर पांडे को लगता है कि इस गरीब बस्ती के बच्चे गायब नहीं हो रही बल्कि खुद भाग रहे हैं। परंतु जब तक कि एक शाम उनकी खुद की बेटी अगवा होने के कगार पर नहीं आ जाती, तब रामचरण पांडे का जमीर जागता है और इस हत्याकांड को लेकर एक के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। अब कैसे यह केस सॉल्व होता है, यही इस कहानी का मूल सारांश है। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की तो निर्देशक ने ऐसे जघन्य वारदात करने वाले सीरियल किलर, अपराधी, साइकोपैथ की मनोचा, अमीर गरीब की खाई, सिस्टम की खामियां जैसे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश किया है। फिल्म में बहुत ही प्रभावी मेटाफर है कि कैसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे को 2 दिन में खोज निकालने वाली पुलिस गरीब बच्चों की गुमशुदगी को लेकर 2 साल तक कानों में तेल डाले बैठी रहती है, परंतु कमजोरी पटकथा और लेखन संपादन में है। सब इंस्पेक्टर को जेम्स बॉन्ड जैसा सुपर जासूस बना दिया गया है और उसके लिए लुंच पुंच कलकार दीपक डोबरियाल को लिया गया है, जो बिल्कुल मेल नहीं खाता, एक्सपीरियंस खराब करता है। फिल्म में दिल्ली के आसपास का इलाका दिखाया गया है, परंतु हमेशा अंधेरा और धूल और पीली रोशनी भर दिया है। स्टोरी का ट्रीटमेंट बहुत बेकार तरीके से किया गया है। आपके अंदर घृणा, नफरत वाला भाव जगाने के लिए बिना बात कह दिया विभत्स, क्रूर, निर्दयी, निर्मम, बेरहम, कष्टदायक सीन दिखाए गए हैं। और शायद इसी कारण अपना खुद का जियो सिनेमा ऐप चलाने वाली कंपनी की फिल्म प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज ने ये फिल्म स्ट्रीट 2 बनाने वाली कंपनी मैडक फिल्म्स के साथ मिलकर बनाई है और रिलीज ये नेटफ्लिक्स पर हुई है। सोचिए जरा कि जियो सिनेमा चलाने वाली कंपनी इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है और जितना खराब तरीके से किया गया है, तो इस कारण इसे सिनेमा पर रिलीज तक नहीं किया और सीधा नेटफ्लिक्स पर लाना पड़ा। सब गंदा है पर धंधा है कि नहीं। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म सेक्टर 36 में विक्रांत मैसी का किरदार जिस तरह की दोहरी शख्सियत वाला है उसे देखना दिलचस्प लग रहा था, परंतु इस बार विक्रांत मैसी असफल रहे हैं। दीपक डोबरियाल कॉमेडी करते ठीक लगते हैं और यहाँ एक सीरियस पुलिस वाले के रोल में बहुत ही खराब अभिनय किया है, बिल्कुल फूहड़ और बेकार काम किया है। तो यह फिल्म आपको निराश करती है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहता है, तो इसे देखने के लिए रिकमेंड तो नहीं कर सकते हैं। समय और पैसे की बर्बादी लगता है, इस पर समय देना नहीं चाहिए। दोस्तों हमने पाया कि कुछ रिव्यू करने वाले बहुत अधिक फेवरेबल और हाई स्टार रेटिंग रिव्यू दिए गए, परंतु साफ समझ में आता है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये नकली रिव्यू भी दिए जा रहे हैं। हमें तो यह फिल्म बहुत बेकार खराब लगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत फेवरेबल और हाई रेटिंग दिया जाए। तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिए कि बहुत से रिव्यू करने वाले इन्फ्लुएंस होकर नकली रिव्यू दे रहे हैं। तो यह था इस फिल्म सीरीज के बारे में हमारा सीधा सच्चा ऑनेस्ट रिव्यू, बाकी आप दर्शकों की मर्जी। हमारा यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी का हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।